हे गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे पास Redmi 10 Prime फोन। इस फोन का दोस्तों आज चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। 0 to 100% चार्ज करके बताएंगे कितने देर में कंप्लीट चार्ज लेता है और फोन हीट होता है या नहीं होता है ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू आए हैं टेक्नोमास्टर जी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन में अभी 0% चार्ज है, और जो चार्जर यूज़ करने वाले हैं इस फोन को चार्ज करने के लिए, बॉक्स का चार्जर यूज़ करेंगे, जो कि 22.4 वाट का चार्जिंग एडाप्टर आता है। और यहाँ पे जो डाटा केबल यूज़ करेंगे ये भी बॉक्स का ही डाटा केबल यूज़ करेंगे, जो कि टाइप सी डाटा केबल है। ओके, तो फ़ोन दोस्तों 18 वाट सपोर्ट करता है चार्ज। ओके, और जो चार्जिंग एडाप्टर मिला है वो 22.5 वाट का बॉक्स के साथ मिलता है। तो यहाँ पे फटाक से सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं और चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख पा रहे हैं, चार्जिंग एडाप्टर को बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों यहां पे चार्जिंग को भी इंसर्ट करते हैं डाटा केबल को फ़ोन के साथ, और अब यहां पे देख सकते हैं चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए Redmi का लोगो भी आ चुका है। ओके, तो अभी सबसे पहले 15 मिनट के लिए फ़ोन को चार्ज करेंगे और देखेंगे 15 मिनट में फ़ोन कितना चार्ज होता है और हीट होता है या नहीं होता है। हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं अभी 30 है। ओके, और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पर 31 देखने को मिल जाता है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32, 33 है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोन में 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1% चार्ज हो चुका है। अभी फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ोन को स्विच ऑफ करके चार्ज नहीं करते हैं, इसलिए फ़ोन को ऑन करके मैं पूरा ये चार्जिंग टेस्ट करूँगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, फ़ोन चार्ज करते हुए 15 मिनट पूरा हो चुका है, और यहां पे 15 मिनट में फ़ोन कितना चार्ज हुआ है ये चेक कर लेते हैं और हीट भी चेक करेंगे। तो फ़ोन की चार्जिंग की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं 11% चार्ज हुआ है। ओके, तो 15 मिनट में आप अगर ये फ़ोन चार्ज करते हैं तो 11% चार्ज होगा। और हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 ही है। ओके, और यहाँ पे फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट से 37 देखने को मिल जाता है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे 36 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी चार्जिंग सही हो रहा है। अभी 30 मिनट के लिए और चार्ज करेंगे फ़ोन को और देखते हैं 30 मिनट के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करते हुए और 30 मिनट पूरा हो चुका है, टोटल जो टाइम है 45 मिनट हो चुका है। ओके, 45 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो चार्ज हुआ है 30% चार्ज हुआ है। ओके, तो आप अगर ये Redmi 10 Prime चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, 30% चार्ज आपका 45 मिनट के अराउंड हो जाएगा। बाकी इधर ही हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं 30 ही है। ओके, ये देखिए 30। और फ़ोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे फ़ोन का हीट चेक कर लेते हैं, फ्रंट से यहाँ पे 37, 38 देखने को मिल जाता है। ओके, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्जिंग जो है सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और हीट की बात करें तो हीट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके, और फ्रेंड्स ये फ़ोन आप अगर 50% चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 1 आवर 20 मिनट के अराउंड यहाँ पे फ़ोन 50% चार्ज हो जाता है। और 50% चार्ज होते होते जो हीट रहता है, यहाँ पे पहले देख लीजिए रूम टेम्परेचर 30 है, फ़ोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 है। ओके, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 37 ही है। तो 50% चार्ज दोस्तों यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट में ये फ़ोन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस फ़ोन को फुल चार्ज करके देख लेते हैं कितने देर में कंप्लीट चार्ज लेता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन अभी 100% चार्ज हो चुका है। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले परसेंटेज, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सेटिंग के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैटरी एंड परसेंटेज यहाँ पर रहा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% चार्ज फुल्ली हो चुका है। ओके, और कितने टाइम में हुआ है ये देख लीजिए, 2 आवर 48 मिनट में फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है। 99% जो है ना वो आपका 2 आवर 30 मिनट में हो जाता है। ओके, और 1% चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हीट देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर जो है 30 है, और फ़ोन की हीट की बात करें तो बैक साइड से 34 देखने को मिल जाता है, और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 ही है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ये चार्जिंग होता है और हीट भी होता है।
तो आप अगर ये फ़ोन लेना चाहते हैं, चार्जिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, 2.5 घंटा के आसपास आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, चार्जिंग टेस्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये फ़ोन आपको अगर बाई करना हो, बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, आप अगर चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चार्जिंग एडाप्टर की बात करें तो देख सकते हैं 34 है हीट, ओके, तो रूम टेम्परेचर के आसपास आ जाता है 100% चार्ज होने पे, और यहाँ पे ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।